महत्वपूर्ण है जो कि सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कोई भी ब्रांच में पूछा जाता है, तो बीटेक के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि एनालिटिक है कि नहीं है, कौची थ्योरम्स ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सूचित करते हैं सबसे पहले जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई, ठीक है। एक्स को जो है पोलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आर कॉस थीटा और वाई को लिखते हैं हम लोग आर साइन थीटा, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है जो कि ट्वेल्थ में, इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ना था। एओटा स्क्वायर बराबर माइनस वन होता है, ठीक है। एओटा के पावर फोर जो होता है वन होता है, ठीक है। और उसके बाद थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद मॉड जेड जो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना हम लोग जान लिए। अब उसके बाद देखना है कि कैसे फंक्शन फॉर एनालिटिक, फॉर एनालिटिक, एनालिटिक होने के लिए फंक्शन, जैसे मैं कोई फंक्शन है एफ जेड, तो एक जो फॉर्म है u प्लस एओटा वी के फॉर्म है, u एक्स वाई प्लस एओटा भी एक्स वाई के फॉर्म में है, ठीक है। इसको जो होता है डेल u बाई डेल x इक्वल टू होना चाहिए डेल v बाई डेल y, ठीक है। उसी तरह से डेल u बाई डेल y बराबर माइनस होना चाहिए डेल v बाई डेल x के, ठीक है। इतना समझना है कि बस डेल u बाई डेल x जो होता है u के डिफ्रेंसिएशन x के तरफ से इक्वल टू होगा v के डिफ्रेंसिएशन y से, ठीक है। उसी तरह से डेल u का डिफरेंशिएशन y के तरफ से इक्वल टू होगा माइनस डेल v के डिफरेंशिएशन s से, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा एकदम अच्छा से कि कैसे क्या करना है। अब हम लोग को देखना है कि ये जो फंक्शन दिया है, क्वेश्चन कर रहा है कि एफ जेड बराबर टू एक्स वाई प्लस एओटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड कर रहा है कि फाइंड द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, ये फंक्शन जो है एनालिटिक है या नहीं है, यही फाइंड करना है। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? हम लोग जानते हैं कि इसको फॉर्म में है, क्या फॉर्म है, एफ जेड बराबर यू, यू जो होगा एक्स वाई के फॉर्म में होगा प्लस एओटा भी एक्स वाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। यू बराबर कितना दिया है, टू एक्स वाई, यू बराबर टू एक्स वाई और भी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, डेल यू, u का डिफ्रेंसिएशन x से करना है। तो डेल u बाई डेल x, टू एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन x के तरफ से करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाई एक्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा टू वाई। उसी तरह से डेल v बाई वाई से देख लेते हैं, आगे x से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, टू एक्स होता है, ठीक है। उसी तरह से डेल u का y के डेल यू वाई, वाई से करेंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, टू एक्स, ठीक है। और डेल वी वाई डेल वाई, वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू वाई, ठीक है। हम लोगों को कहा है, जो इसका थ्योरी है, कि हम लोगों को साबित करना है कि डेल यू वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी वाई और डेल वाई होना चाहिए। डेल यू वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी वाई डेल वाई और डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी वाई डेल एक्स, ठीक है। यही ना कहा है फंक्शन, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल है, नहीं है, माइनस यहाँ पर हो जा रहा है, तो कह सकते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई भी नॉट इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, फंक्शन जो है ये एनालिटिक्स नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, है कि नहीं है। ये भी क्वेश्चन हम जस्ट वही है, सिर्फ हल्का चेंज है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हम लोग को देखना है, यही फाइंड करना है कि फंक्शन जो है एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। फाइंड तो यही करना है हम लोग को,
ठीक है, ये क्या है एफ जेड बराबर, हम लोग जान चुके हैं सॉल्यूशन में, यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में रहेगा, यू एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा और वी एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यू बराबर टू एक्स वाई है और वी बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के तरफ से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स से करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना बचेगा टू वाई, और हम जानते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट एक्स के से तो कितना बचेगा वन हो जाएगा, तो एक्स से डिफरेंशिएट करें तो वन, तो टू वाई बचेगा। उसी तरह से डेल वी बाई डेल वाई कर देते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई, और एक्स स्क्वायर का वाई से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, उसी तरह डेल यू बाई डेल वाई कर देते हैं। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल वाई तो बच जाएगा यहाँ पर टू एक्स, यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा वाई के स्क्वायर, वाई स्क्वायर को एक्स के से डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस टू एक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कॉची रेमन इक्वेशन जो है उसका कहता है कि एनालिटिक होने के लिए फंक्शन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई है ना। उसी तरह से कह रहा है कि डेल यू बाई डेल वाई कहता है दूसरा इक्वेशन माइनस होना चाहिए डेल वी बाई डेल एक्स, ये भी सही है, टू एक्स बराबर माइनस टू है ना, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस है डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ पर टू एक्स को कॉमन कर देंगे तो डेल यू, यहाँ पर माइनस डेल यू बाई लिख सकते हैं, तो डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, ये क्या कर सकते हैं कि फंक्शन इज एनालिटिक, फंक्शन क्या है एनालिटिक है। ठीक है, फंक्शन जो होगा एनालिटिक होगा। अब हम लोग को कह रहा है दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एफ जेड जो फंक्शन है ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस आयोटा साइन वाई, क्या ये भी यू प्लस आयोटा भी के फॉर्म में है, जरूर है, देख लेते हैं। एफ जेड बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई से माइनस एओटा ई के पावर माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये यू प्लस एओटा वी के फॉर्म में है ना, यू बराबर हम लोग कह सकते हैं ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई है। ठीक है, और वी बराबर जो है माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन वाई है। ठीक है, और जो है डेल यू बाई डेल एक्स हम लोग को फाइंड तो ये करना है कि डेल यू बाई डेल एक्स जो होना चाहिए डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल होना चाहिए नहीं है, और डेल यू बाई डेल वाई जो होना चाहिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। अब डेल यू बाई डेल एक्स ये जो फंक्शन है यू उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के से, ई के पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई, उसी तरह से डेल वी बाई वाई के से कर लेते हैं क्योंकि क्वा तो साइन को डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या क्या होता है, साइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस हो जाता है, और कॉस का डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स जो है इक्वल है डेल वी बाई डेल वाई के, तो एक तो सेटिस्फाई कर गया, अब दूसरा सेटिस्फाई करवाना है, अब डेल यू बाई डेल वाई अब वाई किसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन वाई होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ यहाँ पर माइनस नहीं है ई के पावर माइनस एक्स, अब कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई। ठीक है, उसी तरह से डेल भी, अब डेल भी बाई डेल एक्स करना है, तो डेल भी बाई डेल एक्स तो भी के एक्स के डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स को क्या जानते हैं जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से जो भी जो आगे जो कॉमन होता है उसको आगे आ जाता है, तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस एक्स साइन वाई। हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डेल यू बाई डेल वाई जो है माइनस है डेल वी बाई डेल एक्स का, यदि ई के पावर माइनस एक्स साइन वाई को क्या कर सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वाई, तो यह क्या है कॉची रोमन इक्वेशन को क्या है ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, तो क्या कर सकते हैं कि फंक्शन जो है एनालिटिक है, ये जो फंक्शन है जो एनालिटिक है। ठीक है,
कोई दिक्कत? क्वेश्चन को फिर से, एफ जेड बराबर ई के पावर माइनस एस ब्रैकेट कॉस वाई माइनस एटा साइन वाई है, पूछ रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो एफ जेड बराबर ई के पावर माइनस एक्स कॉस वाई ले लेंगे, माइनस एटा ई के पावर माइनस एक्स साइन वाई ले लेंगे, उसके बाद यू प्लस एटा भी करके सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें तथा फंक्शन जो है एनालिटिक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन कैसे ज्ञात होता है, कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन फंक्शन जो है हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए भी रूल है। तो उसके लिए हम लोग देखते रहते हैं। हम सब लोग सबसे पहला जानेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए बस सब तो उसके लिए देखते हैं सबसे पहले। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू होगा डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। और दूसरा जानते हैं कि डेल यू बाई डेल वाई जो होगा माइनस होगा डेल वी बाई डेल एक्स के, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। उसी तरह से इसको क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर से पुट करते हैं डेल वी बाई डेल वाई एक्स क्या क्या यहाँ पर है, डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल यू स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको यदि इस तरफ चल जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 होगा, तभी ये फंक्शन जो होगा हार्मोनिक होगा, नहीं तो नहीं होगा फंक्शन। जैसे मैं क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन कह रहा है पहला कि यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, दिया है। पूछ रहा है कि फाइंड द फंक्शन इज हार्मोनिक, क्या यह फंक्शन हार्मोनिक है। इफ यदि हार्मोनिक है तो क्या करना है, फाइंड करना है भी, भी फाइंड करना है हमको। हम लोग जानते हैं कि यू क्या होता है, यू जो होता है रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, यू जो क्या होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। जैसे मैं एक कोई फंक्शन हम लोग लिखते हैं एफ जेड बराबर यू प्लस एटा भी, ठीक है। तो यू क्या है, रियल पार्ट है, और हमको क्या पता करना है, भी इमेजिनरी पार्ट पता करना है हम लोग। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फंक्शन जो है एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके पहले हार्मोनिक चेक करना है कि क्या फंक्शन हार्मोनिक है, तभी हम लोग फाइंड कर सकेंगे कि ये जो है इसका हार्मोनिक, और उसके बाद फाइंड कर पाएंगे भी। तो इसको सबसे पहले देखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा टू एक्स, ठीक है। अब उसके बाद डबल बार डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा टू। उसी तरह से अब डेल यू यू को रिस्पेक्ट करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वाई के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है टू वाई, आगे माइनस है तो माइनस टू वाई, ठीक है। अब उसके बाद डेल यू को क्या करेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से वाई के डेल यू बाई डेल वाई को, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। अब डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर क्या 0 हो रहा है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 है, और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस टू, तो 2 - 2 बराबर 0, ठीक है। इसे पता चल गया कि फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। अब फाइंड करने के लिए कह रहा है कि भी, अब भी कैसे फाइंड करेंगे, तो भी तो डी भी तो डी वी बराबर क्या कर सकते हैं कि डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई,
कोई भी फंक्शन जो भी है उसको आगे एक्स के डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करके इनटू डीएक्स, उसी तरह से वाई के डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करके इनटू डीवाई, ठीक है। तो डीवी बाई डीएक्स, क्या डीवी बाई डीएक्स को हम कुछ चेंज कर सकते हैं? हाँ, हम लोग जानते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होने के लिए क्या करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स जो होता है इक्वल टू होता है डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। तो डेल वी बाई डेल वाई को हम ये लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि डेल यू बाई डेल वाई जो होता है माइनस होता है डेल वी बाई डेल एक्स के, ठीक है, क्योंकि हमको यू में पता है वी फाइंड करना है, तो उसके लिए तो हम लोग सारा फंक्शन जो होगा यू में करेंगे। तो डी वी बराबर डेल वी बाई डेल एक्स को क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई। डेल वी बाई डेल वाई को क्या पुट कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। अब जाकर फंक्शन का जो भी वैल्यू है पुट करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई क्या है, माइनस टू वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो टू वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, टू एक्स इंटू डी वाई, ठीक। यही समझ होना का मिल रहा है काम तो डी वी बराबर पर बर्तन काम तो डी वी, तो कह रहा है कि डी वी अब फाइंड करना है तो वी करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टू कॉमन है, तो टू कॉमन है तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। तो इसको क्या सकते हैं, डी वी बराबर टू डी एक्स वाई, एक्स वाई क्या कहते हैं, डी एक्स वाई। तो डी एक को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को करेंगे रखेंगे तो डी एक्स, फिर एक्स को करेंगे तो डी वाई, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमको भी चाहिए ना कि डी वी चाहिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी बराबर टू डी एक्स वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई प्लस सी, यही जो हमारा हार्मोनिक फंक्शन भी है और ये जो भी है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब उसी तरह से अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ यू बराबर ई एक्स ई के पावर एक्स कॉस वाई इज एन एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन है, देन इस हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी बराबर वाट, भी पूछा कि क्या होगा, ठीक है। तो यू बराबर दे दिया है कि ई के पावर एक्स कॉस वाई, हम लोग को रियल पार्ट दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट, अब प्लस में कह रहा है कि फाइंड करने के लिए कि यह फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक पूछ रहा है और हार्मोनिक कॉन्जुगेट मांग रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स को क्या कर सकते हैं, एक्स को ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वही रह जाएगा ई के पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर से वही रह जाएगा ई के पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। उसी तरह से वाई को डेल यू बाई डेल वाई, वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, तो माइनस ऑफ ई के पावर एक्स और साइन वाई, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल स्क्वायर यू बाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो फिर से क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई, तो माइनस ऑफ ई के पावर एक्स कॉस वाई। अब करना है हम लोग हार्मोनिक जानने के लिए क्या करते हैं, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, क्या होगा, ई के पावर डेल स्क्वायर यू का अब भाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स कॉस वाई प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ई के पावर एक्स कॉस वाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जीरो। अतः हम कर सकते हैं कि फंक्शन इज हार्मोनिक, ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या करना है, अब इसके बाद कह रहा है कि कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। भी पूछ रहा है तो डी वी, डी वी बराबर क्या कर सकते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इंटू एक्स, खत्म हो जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करें फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब इक्वल टू बराबर है। अब डेल वी बाई डेल एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं ना, फिर से देख लेते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स यू के रिस्पेक्ट में एक्स के डिफरेंशिएट करना है इक्वल टू होगा
डेल भी बाई डेल वाई, ठीक है। उसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई जो इक्वल टू होगा माइनस ऑफ डेल भी बाई डेल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ यू पुट कर देंगे तभी ना, क्योंकि हम लोग को तो पता है यू का वैल्यू, अब भी फाइंड करना है। तो देखते हैं, डी वी बराबर डेल वी बाई डेल एस, डेल वी बाई डेल एस का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल, माइनस इधर चल जाएगा तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, डी वी बराबर डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू क्या है, ऊपर देखते हैं, माइनस ऑफ ई के पावर एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई के पावर एक्स साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स क्या वैल्यू है, ई के पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है, ई के पावर एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डी वी बराबर यहाँ पर ई के पावर एक्स साइन वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ई के पावर एक्स डी एक्स को कॉमन कर लेंगे प्लस कॉस वाई ई के पावर एक्स कॉस वाई डी वाई। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तभी ना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, वी का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, चाहे एक तरह से इसको ये भी देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ऑफ ई के पावर एक्स साइन वाई, ई के पावर एक्स डी एक्स इंटू साइन वाई प्लस ई के पावर एक्स साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई डी वाई, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बराबर ई के पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है वी बराबर ई के पावर एक्स साइन वाई प्लस सी है, ठीक है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें जिससे कि सब लोग को समझ सके। थैंक यू।